At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. हेलो दोस्तों, द इनक्रेडिबल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। भारत के पहले प्रधानमंत्री और छोटे बच्चों के चाचा माने जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे प्रभावशाली नेताओं में एक थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। वह बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बच्चे भी उनको प्यार से चाचा नेहरू पुकारते थे। यही कारण है कि उनके जन्मदिन को भारतवासी बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे के हिसाब से पालन करते हैं। नेहरू ने एक सशक्त, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष देश की नींव रखी थी। वे कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी देश के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में उभरी थी। कश्मीरी पंडित समुदाय से संबंध होने के कारण उन्हें पंडित नेहरू के नाम से भी बुलाया जाता है। नेहरू जी के बारे में कुछ ना कुछ आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो अक्सर कम ही लोगों को मालूम होती है। तो दोस्तों, आइए आज जानते हैं नेहरू जी से जुड़े कुछ रोचक बातें जो अक्सर कम ही लोगों को मालूम होती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नेहरू जी का जन्म एक अमीर खानदान में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू और उनके दादा गंगाधर नेहरू इलाहाबाद में जाने माने लॉयर हुआ करते थे। माना जाता है कि यह परिवार इतना समृद्धशाली था कि जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू के कपड़े लंदन में धुलने जाते थे। नेहरू जी को कार में घूमने की काफी शौक थी और इस बात मोतीलाल नेहरू काफी अच्छे से जानते थे, और यही वजह है कि मोतीलाल नेहरू ने उनके बेटे के लिए एक विदेशी कार मंगवाई थी। आपको यहां बता देना चाहेंगे कि इलाहाबाद के सड़क में पहले चलने वाली कार नेहरू जी की कार थी। नेहरू जी का काफी वक्त इंग्लैंड में बीता था, जैसे कि कॉलेज की पढ़ाई लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से हुई, फिर कैम्ब्रिज से लॉ की डिग्री की। जब वह काफी समय बाद भारत लौटे तो उन्हें हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता था। बाद में वह भारत के गांव देहात में घूम घूम कर धीरे धीरे हिंदी सीख ली। महात्मा गांधी ने जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आंदोलन छेड़ी तो जवाहरलाल नेहरू अपने पसंदीदा विदेशी कोट तथा सूट बूट इत्यादि सब त्याग दी। उसके बाद वह खादी के कोट पहनने लगे। बस स्वदेशी आंदोलन ही नहीं, बल्कि गांधी जी के सारे आंदोलनों में नेहरू जी का एक अहम योगदान रहा था। और नेहरू जी ने अपने जीवन में 9 वर्ष जेल में बिताए थे। एक बार 1950 फरवरी के महीने में नेहरू जी ने राजस्थान का दौरा किया। राजस्थान के पिलानी जिले में नेहरू जी का स्वागत एक हरी सब्जियां से बनी एक द्वार से किया गया। इससे जवाहरलाल नेहरू बहुत नाराज हुए और उसके बाद उन्होंने सारी सब्जियों को गरीबों में बांट देने की आदेश दी। नेहरू जी को भोपाल शहर से बहुत लगाव था। मध्य प्रदेश और पंडित जी का नाता बहुत ही गहरा था। इस प्रदेश का नामकरण भी खुद नेहरू जी ने ही किया था। नेहरू जब भोपाल के दौरे पे हुआ करते थे तो किसी सरकारी आवास में नहीं, बल्कि भोपाल के नवाब के चिकलोत स्थित कोठी पर रुका करते थे। नेहरू जब भी आते तो प्रोटोकॉल तोड़कर अकेले ही उस कोठी में रहना पसंद करते थे। दरअसल इस कोठी की खास बात यह थी कि यह शहर से काफी दूर हुआ करता था,
और ये बहुत शांत जगह माना जाता था। साथ ही जंगलों में होने के कारण इस जगह का नजारा ही कुछ अलग था, इसलिए नेहरू यहां रुकना पसंद करते थे। जवाहरलाल नेहरू को सिगरेट पीने का बहुत शौक था। एक वक्त की बात है, जब नेहरू जी भोपाल पहुंचे तो वहां पे उनकी 555 ब्रांड की सिगरेट खत्म हो गई और भोपाल में कहीं जगह पे भी उनकी यही ब्रांड की सिगरेट नहीं मिली, जिसके बाद एक स्पेशल प्लान से इंदौर से इनके लिए 555 ब्रांड की सिगरेट मंगवाई गई। जवाहरलाल नेहरू एक बार लंदन जाने वाले थे। उनका नाई अक्सर लेट हुआ करता था। उस दिन भी नाई लेट किया। नेहरू जी के पूछने पर नाई ने कहा कि मेरे पास घड़ी नहीं है, इसलिए मैं ठीक वक्त पे नहीं पहुंच पाता हूं। जिसके बाद लंदन से आने के वक्त नेहरू जी ने नाई के लिए एक घड़ी भी लाई थी। बताया जाता है कि भारत के अंतिम वायसराय लुईस माउंटबेटन के बीबी एडविना माउंटबेटन के साथ नेहरू जी का अफेयर था, और इस बात का कंफर्मेशन तभी हुई जब खुद एडविना माउंटबेटन की बेटी 2012 में उनका एक किताब पब्लिश हुआ। उस किताब का नाम है डॉटर ऑफ एम्पायर, लाइफ एज माउंटबेटन। नेहरू जी को जान से मारने की काफी बार कोशिश हुई। 1947, 1955, 1956, 1961 में चार बार उनको जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन नेहरू जी बाल बाल बचे। इसके बाद भी नेहरू जी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ दौरा करना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स होने से लोगों को ट्रैफिक की समस्या आ सकती है। तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी से जुड़े इन्हीं सारे इंटरेस्टिंग बात जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।